ये कौन से फिर मोहरबंद पुस्तक? ये वही है जो डैनियल के समय में मोहरबंद की गई, और क्या लिखा हुआ है कि उस पुस्तक की मोहर खोलने के योग। स्वर्ग में भी ऐसा कोई नहीं, पृथ्वी पर भी ऐसा कोई नहीं है, और यहां तक पृथ्वी के नीचे, अब पृथ्वी के नीचे जाने की क्या जरूरत। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 भाग हैं, जिसमें हम दूसरे भाग में हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने कलीसियाओं के बारे में सीखा था, कलीसिया क्या है, और हमने सीखा था कि कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह जो है कलीसिया का सर है, और कलीसिया का मतलब होता है बुलाए हुए लोग, हम लोग बुलाए हुए लोग हैं। और इज़राइल के बारे में भी सीखा था कि इज़राइल भी जो है प्रभु यीशु मसीह की जो है, परमेश्वर की जो है, वो कलीसिया है, अर्थात पत्नी है, दुल्हन है। पिछले संदेश में ये सारी चीजों को हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे, आज से जो शुरू होगा वो 7 चर्चेस के बारे में बात होगी, यानी 7 कलीसियाएं काल के विषय में जो है कि इफिसुस की कलीसिया का जो हम अभी सबसे पहले भाग लेकर आए, ये प्रथम भाग है। देखिए हम कितने भाग बनेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप खड़े हो गए, बोल लिए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी सुना दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत गहराई है। आज जब आप इसके बारे में सुनेंगे ना, जब हम समय काल की बात करेंगे, कि बहुत से लोगों को ये संदेह रहता है कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक में 7 कलीसियाएं हैं वो कैसे समय काल है, हम कैसे मान लें कि वो समय काल है। बहुतों को संदेह होता है कि यानी 7 समय काल या 7 युग जो हैं वो कैसे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हर एक चीज के बारे में जो है परमेश्वर का वचन बताता है, और ये 7 समय काल यानी 7 युग जो है वो कैसे हैं, इसके बारे में सीखेंगे। मगर हम जो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 20 पद को जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है प्रकाशित वाक्य 2:1-7 तक, परंतु हम जो है सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये 7 कलीसियाएं जो है 7 समय काल कैसे है, क्योंकि अब जो है अब शुरू हो रहा है जो 7 चर्चेस हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये संदेह दूर करेंगे, क्योंकि जब तक ये संदेह दूर नहीं होगा तब तक जो है हम इन भेदों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 20वां पद। ध्यान दीजिएगा, कई बार इसको पढ़ चुके हैं, हर बार पढ़ते हैं जब भी संदेश होता है, जब तक इसका भेद खत्म नहीं होते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीप्तों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होता है जब हम भेद की बात करते हैं। अब यहां पर जो है तारों का भेद हमने समझ लिया, कलीसिया का जो भेद है वो समझा कि कलीसिया का भेद है क्या। ठीक है, कलीसिया का भेद कौन सा, यानी कलीसिया जो है वो दुल्हन में आती है, और वो यीशु मसीह की पत्नी है, यीशु मसीह की देह है, और यीशु मसीह उसे अपने पास खड़ी करता है। एक भेद तो ये है, यानी पति और पत्नी से उस कलीसिया की कंपेयरिंग की गई, ये भेद है। परंतु जिन 7 कलीसियाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस युग के हर एक युग के लोगों को जो है वो यीशु मसीह लेगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भेद जब रहस्य की बात करते हैं तो ये भविष्य की बात होती है। किसी भेद को समझना, ये भेद जो है वो लिखा गया है, कब समझे, ये अभी नहीं है, ये भविष्य में आने वाला बताएगा इसका रहस्य क्या है, ये आने वाला समय बताएगा कि इसका रहस्य क्या है, यानी भविष्य को प्रकट करता है कोई भी भेद। अब यहां जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 पद जो पढ़ाया गया है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां क्या शुरू में लिखा है, देखिए, अर्थात उन 7 तारों का भेद, और 7 तारों का ही नहीं, 7 कलीसियाओं का भी भेद जो है वो इस भेद को प्रकट करता, रहस्य को प्रकट करता कि भविष्य में क्या है। यीशु मसीह जब मर गया, मर के गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा,
और स्वर्ग गया और स्वर्ग से उसने अपने लोगों को जब पवित्र आत्मा उंडेला और आने का वायदा कर गया। देखिए जाने से पहले वो आने का वायदा कर गया कि मैं दोबारा फिर लौट कर आऊंगा। 31 एडी से लेके और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता है, इस समय काल को 7 भागों में बांटा गया है। 31 एडी में यीशु मसीह जो है स्वर्ग गया है, चेले जो हैं उनको पवित्र आत्मा मिला है, और 31 एडी से लेकर और यीशु मसीह जब तक उसका दूसरा आगमन नहीं हो जाता है, वो जो समय काल है उसको 7 भागों में बांटा गया है, जो 7 चर्चेस के आधार पर निर्धारित किया गया है। पहली चीज, अगर आपके ये बात भी समझ में नहीं आ रही है तो एक दूसरी बात हम करते हैं, और वो दूसरी बात क्या है, आप डैनियल की पुस्तक को और जब 12 अध्याय उसका 4 और 9 पद पढ़ेंगे। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ। डैनियल 12 अध्याय उसका 4 और 9 पद, डैनियल ने को परमेश्वर ने लिखाया और उसने बहुत कुछ लिखा, मगर डैनियल को जो परमेश्वर ने लिखाया उसकी समझ में कुछ नहीं आया, उसको उसके रहस्य के बारे में पता नहीं चला, उसके भेद के बारे में पता नहीं चला। डैनियल पूछता है कि परमेश्वर ये क्या है, इसके क्या रहस्य हैं, इसके क्या भेद हैं। परमेश्वर डैनियल से कहता है इसको मोहर बंद कर दे, इस पुस्तक पे मोहर लगा दे। मोहर लगाने का मतलब क्या है कि अब इस पुस्तक के बारे में जब तक इसकी मोहर नहीं खुलेगी, यानी जब तक इसके रहस्य नहीं खुलेंगे, इस पुस्तक के बारे में कोई जान नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, इसके रहस्य किसी के पास तक पहुंच नहीं सकते। अब डैनियल विचलित हो गया, डैनियल जानना चाहता था, मगर परमेश्वर वहां पर डैनियल से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये अंत समय के लिए है, ध्यान दीजिएगा, यानी अंत समय के लिए है ये मोहरबंद पुस्तक जो है। डैनियल बिल्कुल भाई परमेश्वर के आगे अब डैनियल क्या बोल सकता है, ठीक है परमेश्वर आपने कहा मोहरबंद है और अंत समय के लोगों के लिए, तो मैं इसके रहस्य को जानकर क्या करूंगा, ये तो अंत समय के लोग अब जानेंगे इस रहस्य को, अंत समय के लोगों को पता चलेगा कि इसका रहस्य क्या है और इसका भेद क्या है। और वही चीज जब आप जो हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय, ध्यान दीजिएगा मैं इसको जो हूं मैं पढ़ देना चाहता हूं बड़ा ध्यान से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय जब 1 से 5 तक आप पढ़ेंगे, तब आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज जो है वो समझ में आएगी। चलिए पढ़ देता हूं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, ठीक है, की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, कोई ना निकला, ठीक है। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वे सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, डैनियल के द्वारा जो पुस्तक मोहर बंद की गई थी, आपको कहीं और मोहर बंद पुस्तक नहीं मिलेगी। ये कौन सी फिर मोहर बंद पुस्तक है, ये वही है जो डैनियल के समय में मोहर बंद की गई है। और क्या लिखा हुआ है कि उस पुस्तक की मोहर खोलने के योग स्वर्ग में भी ऐसा कोई नहीं है, पृथ्वी पर भी ऐसा कोई नहीं है, और यहां तक पृथ्वी के नीचे, आप पृथ्वी के नीचे जाने की क्या जरूरत है, यानी अधोलोक की बात हो रही है। अब अधोलोक में भी कोई ऐसा योग नहीं है, यानी अधोलोक में भी कुछ ऐसी हलचल रहती है, ये बात की बात है, कभी अधोलोक के बारे में बात करेंगे, बहुत जब आप अधोलोक की बात करेंगे ना, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा कि तीनों जगहों पर जो है उस मोहरबंद पुस्तक को खोलने वाला कोई नहीं मिला। अब जैसे हमने कहा कि वो मोहरबंद पुस्तक पूरी बाइबल में अगर आप देखेंगे, डैनियल की पुस्तक में ही वो मोहरबंद पुस्तक जो है
वो दी गई है, खास तौर से जो है डैनियल की पुस्तक में जो दी गई है। अब यहां प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में जो है, जब उस मोहरबंद पुस्तक को खोलने वाला कोई ना मिला, अब यूहन्ना जो था वो लिखा फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके रोने का कारण क्या था? अब ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना के रोने का कारण क्या था कि वो उन रहस्य को जानना चाहता था, वो उन रहस्य को समझना चाहता था कि आखिर वो भेद है क्या। अब परमेश्वर के उन भेदों को वो जानने का इच्छुक था, अब इसलिए वो रोने लगा। मगर सरदूत उसके पास आता है, कहता मत रो। अब क्या कहता है कि मत रो, 5वां पद जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वैसी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7ों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सी किसको कहा गया है? यीशु मसीह को। जी हाँ, यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से आया, सबसे पहली बात। और यहूदा के गोत्र से हमेशा राजा पैदा हुए हैं। देखिए, हर एक गोत्र की, जो इज़राइल के जो 12 गोत्र हुए हैं, हर एक गोत्र की कहानी अलग अलग है। जो लेवी का गोत्र है उससे याजक और महायाजक पैदा होते थे, जो प्रभु की सेवकाई में लगे रहते थे, मंदिर की सेवकाई में लगे रहते थे, तो ये लेवी लोग हुआ करते थे। और यहूदा के गोत्र जो थे उससे राजा पैदा हुए। तो यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र का सी, यानी वो शक्तिशाली जो है वो व्यक्ति है। और दाऊद लिखा हुआ ना, यहां पर लिखा हुआ है कि यहूदा के गोत्र का वे दाऊद का मूल है, यानी दाऊद का जो मूल है, मतलब आधार है, उसके बारे में कहा गया। और ये यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जो है वो जयवंत हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया और जो मृत्यु पर और सारी बुराइयों पर, सारी पाप पर जो है जयवंत हुआ है। और यीशु मसीह को छोड़ आज तक कोई इन चीजों पर जयवंत नहीं हुआ, इसलिए कहता है कि वो मत रो, अब जो है इसके रहस्य तुझ पर खोले जाएंगे, क्योंकि उन मोहरों को खोलने वाला जो है एक है, मिल गया है, और जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है उन मोहरों को जब खोलता है, तो वो मोहर जब खुलती है तो वो क्या होता, हर एक समय को अलग अलग प्रकट कर रही है। और वो जब हर एक, जब आप देखेंगे कि पहली मोहर खोली गई तो ये हुआ, दूसरी मोहर खोली गई तो ये हुआ, ये हर समय में जो है वो कुछ ना कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित होती जा रही हैं और वो दिखाई दे रही हैं। प्रकाशित वाक्य एक बहुत हर एक समय की जो है बात कर रहा है, खास तौर से उस समय की जब से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया और दोबारा आने के लिए कहा गया है, और जब तक वो नहीं आ जाएगा उसके बीच का जो भी समय होगा उसको जो है 7 समय काल में जो है बांटा गया है। मेरे ख्याल से ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर ये भी नहीं आती है, चलिए तीसरी बात हम करते हैं, तीसरी बात 7 कलीसियाओं को लेकर करते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7ों कलीसियाओं का जब आप वर्णन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह उनके कामों की बात कर रहा है, उस समय के कामों की बात कर रहा है, उस समय क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां हुई हैं। देखिए, हर एक समय काल की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग हुई है। प्रभु यीशु मसीह हर एक समय काल की में लोगों के उस समय की बात कर रहा है, उनकी स्थितियों परिस्थितियों को तो देखा, क्या वो स्थितियां और परिस्थितियां आज है? नहीं, पहले थी, बीच में नहीं है, और आज की जो है वो पहले नहीं दिखाई देंगी। तो अलग अलग समय काल जो है दिखाया गया है, उनके कामों की प्रशंसा करता है, उनको जो है वो उनके कामों के विरोध में भी बोलता है, उनको सहमति भी देता है, सलाह मशवरा देता है। इनके जब पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज जो है इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज, उनके रिवार्ड के बारे में भी पढ़ता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि यीशु मसीह जो है अपने 7 रूपों को 7 जगहों पर प्रकट करता है, और ये 7ों रूप अलग अलग कलीसिया में अलग अलग तरीके से प्रकट है, यानी 7 समय काल का काल में कि प्रभु जो है किस रूप में बात कर रहा है। उनके आत्मिक रूपों को जो है वो आप प्रकट कर लीजिए, आप उनके आत्मिक रूपों को देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये 7 कलीसियाएं जो है 7 समय काल है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हर कलीसिया में अलग अलग उसका प्रगटीकरण है, आत्मिक रूप है,
उसकी बातें हैं, उसकी सलाह है, उसके मशवरा है आज के लोगों के लिए भी जो है। जब हम लोग दिया की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस बात को कि हाँ, ये इस समय के लोगों के लिए बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही बात कही गई है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इसलिए इसको सात कलीसिया, जो सात कलीसिया हैं, इनको सात समय काल या सात युग कहा गया है, इसलिए कहा गया है। चलिए आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य की कलीसिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पहली कलीसिया जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य दो अध्याय उसका 1-7 पद तक जो है वो पढ़ लेंगे। यहां लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीप्तों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निलकुइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कानों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आपने सुना ये सात पद हैं। अब इन पदों को जो है इसकी हम एक रूपरेखा जो है वो तैयार करते हैं। अब ये नहीं है आपने लिया और आप पढ़ने लगे और बताने लगे, नहीं। मैंने पहले कहा, जब तक आप किसी पद को देखिए, एक होता है आपने अगर कोई पुस्तक चुनी है उस पुस्तक की पूरी रूपरेखा तैयार करें, अगर आपने कोई अध्याय पढ़ रहे हैं तो उस अध्याय की पूरी रूपरेखा तैयार करें, यदि आप कोई वर्ष पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ा है, पहले हम इसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करते हैं, और वो रूपरेखा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी हाँ, देखिए ऐसे ही इन बातों को नहीं पढ़ना है। क्या है 11 जो है बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। हर एक कलीसिया के बारे में यही बात होगी। कहीं पे 11 हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आध जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, रूपरेखा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कलीसिया का नाम, कलीसिया के नाम का अर्थ, कलीसिया का समय काल या युग, कलीसिया के दूत का नाम, उस दूत के समक्ष मसीह का विवरण या परिचय, मसीह उस दूत के काम के बारे में जानता है, मसीह द्वारा दूत के कामों की प्रशंसा करना, मसीह द्वारा उसके काम की निंदा करना, मसीह द्वारा दूत को सहमति देना, मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना, मसीह द्वारा दूत और उसके समय को जय पाने वालों को रिवार्ड देने का वायदा। ये बातें हैं जिनमें हम सीखेंगे। ये उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है, और किस तरीके से हम इन चीजों को समझ पाएंगे वो चीज मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले क्या है, इफिसुस की कलीसिया का जो है परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा, इफिसुस की कलीसिया के बारे में पता होना चाहिए जो है उसका नाम क्या है। इफिसुस की कलीसिया है, और इफिसुस की कलीसिया का जो परिचय है वो देख लेते हैं। कैस्टर नदी के मुहाने के पास पश्चिमी एशिया माइनर का एक शहर है ये, ठीक है। वर्तमान समय में तुर्किस्तान का एक भाग है, और यहां पर जो है इफिसुस रोमी प्रांत का एक मुख्य नगर हुआ करता था। अब परिचय सुनिए, यह ग्रीक दुनिया के अंदर कई प्राकृतिक व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। जी हां, यह मुख्य केंद्र था, और यह रोम से पूर्व की ओर मुख्य रोड पर स्थित है। इफिसुस को मुख्य रूप से तीन बातें जो हैं बड़ा महत्वपूर्ण बनाती हैं। तीन बातें उसके अंदर जो हैं तो बहुत सी बातें, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है इफिसुस का, मगर मैं आपको बहुत शॉर्टकट में लेकर आया हूं सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को लेकर। पहली बात, वे उस समय का महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था जिसके द्वारा यूरोप और एशिया दोनों में व्यापार होता था। ध्यान दीजिए, यूरोप और एशिया दोनों में व्यापार होता था। दूसरा है, उसके बैंकिंग संघ की आर्थिक शक्ति बहुत ही मजबूत थी। जी हाँ,
उसकी जो आर्थिक शक्ति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। तीसरा, इफिसस के में महान देवी आर्टेमिस यानी डायना का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था, प्रचलित था, और वे उस पंथ के लोगों का मुख्य केंद्र था। जी हाँ, ये तीन जो महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए, किसी भी देश में अगर एक उत्तम व्यापार हो रहा है, बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है और बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा है, तो जहां से व्यापार किया जा रहा है तो साफ सोचिए कि कितना है। हम किसी समय में हमारे भारत देश में भी बड़ा उत्तम व्यापार होता था, और उस व्यापार के लिए जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड की, वो जो है 1600 ईस्वी में जो है वो हिंदुस्तान आया था, और उन्होंने बहुत भारी व्यापार किया था, बहुत व्यापार हुआ था। यानी एक मुख्य केंद्र था उस समय, बहुत सी चीजें थी। जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारतवर्ष है, वो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। हर एक की निगाह जो है आसनी सदियों से जो है वो हमारे हिंदुस्तान पे लगी रहती। इसी तरीके से जो इफिसस था, इफिसस के जो एशिया और यूरोप के जो लोग थे वो उनके लिए केंद्र बिंदु बना हुआ था, उनकी निगाह इफिसस पे लगी रहती थी, और इफिसस जो है एशिया की ज्योति भी कहलाया जाता था। ये बड़ा केंद्र बिंदु था व्यापार का, और उसकी आर्थिक स्थिति इसी व्यापार के कारण बहुत मजबूत थी, उसकी आर्थिक स्थिति। दूसरी बात जो है, जब हम बात करते हैं जो इफिसस के अंदर जो जिस देवी का नाम मैंने बताया आर्टेमिस यानी डायना जो देवी हुआ करती, उसका बहुत बड़ा मंदिर था, और लोग जो है इफिसस के अंदर उसके कई ऐसे मंदिर सोने के मंदिर बनाया करते थे। अरे साहब, इसकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा इफिसस है क्या, बहुत प्रसिद्ध जो था वो है। और इन कारणों, ये जो कारण है, इन कारणों के द्वारा जो है वो एक मुख्य केंद्र था, और एशिया की ज्योति जो है वो कहलाया जाता था। इफिसस का अर्थ होता है इच्छा युक्त या आकर्षण या प्रथम या वांछित या इच्छा। सबसे पहले इच्छा युक्त, यानी उस समय के जो कलीसिया के लोग, जब वहां पर मसीह का नाम प्रचलित हुआ, जब मसीह का नाम वहां फैलाया गया, तो लोगों ने जब मसीह को ग्रहण किया तो वो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते थे, उस यीशु मसीह की इच्छा को जो थे वो पूरा करते थे। ये इच्छा युक्त कलीसिया थी, यीशु मसीह की इच्छाओं पर चलने वाले लोग जो थे वो थे, बहुत परफेक्ट लोग थे। और बहुत काम जो है इफिसस ने में किया गया। जब हम इसके दूत की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इफिसस में कैसे कैसे लोगों ने जो है वो काम किया है और किस तरीके से काम किया है। तो इफिसस जो है वहां पर मसीह का जो नाम जो फैला गया, जो लोग थे उन्होंने पूर्ण रूप से जो है बड़ी आत्मिक और सच्चाई के साथ मसीह को ग्रहण किया था, और कोशिश यही करते थे कि मसीह की इच्छा को वो पूरा करते रहे। फिर इसका जो है तीसरा जो पॉइंट है, इफिसस का समय काल या युग। हमने 11 भाग जो पढ़े, अब हम बात कर रहे हैं इफिसस के नाम का जो अर्थ है वो हमने देखा। इफिसस का जो समय काल रहा है, सही माने में सातों कलीसियाओं का जो समय काल है, यीशु मसीह के जो है उस समय से लेकर और यीशु मसीह जब तक ना आ जाए उसके दूसरे आगमन तक, जो बीच का समय मैं बताता रहा हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो उस समय काल को 7 भागों में बांटा गया है। और इफिसस का जो समय काल रहा है वो 31 एडी से लेकर और 100 एडी तक जो है इफिसस का समय काल रहा है, इस कलीसिया का जो समय काल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 31 एडी से लेकर और 100 एडी तक के बीच में जो लोग रहे हैं, वो लोग जो मसीह के लोग हैं, जिनको यीशु मसीह चुनेगा उस समय के लोगों का, वो चाहे कहीं पर भी रहे, 31 एडी से लेकर 100 एडी तक के बीच में जो है कहीं पर भी रहे हो, वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों को चुनेगा, जो पवित्र लोग होंगे, जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया होगा, जो अपने आप को दुल्हन की श्रेणी में लेकर खड़ा करा होगा, जो यीशु मसीह के समक्ष साथ खड़े होने के योग अपने आप को जिन्होंने बनाया होगा, उस युग के लोगों में से वो चुनेगा। सभी को नहीं चुनेगा, याद रखिएगा, 31 एडी के से लेकर और 100 एडी तक के
जो समय काल है उनमें जो लोग रहते हैं उन उस समय काल में जो लोग रह रहे होंगे, जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा होगा, जिन्होंने मसीह को अपना जीवन दिया होगा, जो मसीह को समर्पित हुए होंगे और मसीह के साथ काम कर रहे होंगे या मसीह के लिए काम कर रहे होंगे और पूर्ण रूप से मसीह की पवित्रता को, उसके लहू को अपने जीवन में ग्रहण करा होगा और उस क्रूस की कथा को उन्होंने अच्छे से समझा होगा। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, पहला कुरंतियों पहला अध्याय उसका 18वां वचन में क्या लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिन्होंने उस क्रूस की कथा को, उस क्रूस की स्टोरी को, उस क्रूस की प्रीचिंग को समझा होगा, वो जो है प्रभु जो है उसमें से चुनेगा, उस समय के लोगों में। इफिसस की कलीसिया का काल जो है 31 एडी से आरंभ होता है, क्योंकि मैंने बताया ना 31 एडी में कलीसिया आरंभ हुई और कलीसिया की स्थापना जो हुई है वो ये उस समय से लेकर और 100 एडी तक। ये नहीं कि सिर्फ इफिसुस में जो लोग रह रहे हों या इफिसुस के सिर्फ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, ये नहीं। तो ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि वो इफिसुस के समय में जो लोग रह रहे हैं ये उस समय की बात ही नहीं है। अब ये कब हुई है, किसने स्थापना करी, आगे जब हम इसका विवरण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इफिसुस की कलीसिया की स्थापना कब हुई और किसने करी है और कैसे हुई है। जब हम उसके दूध की बात करेंगे तब ये सारी चर्चा जो है इसके अंदर होगी। तब तक के लिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए और अपने आप को तैयार करते रहिए प्रभु के दूसरे आगमन के लिए, कि उसके राज के वारिस हो सके और इन भेदों को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, इंतजार रहिए। आने वाले संदेश में देखेंगे इफिसुस की कलीसिया के बारे में और तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।